नमस्कार, मैं हूं प्रिया, आपका स्वागत है बिहारी न्यूज में। आज हम बात करेंगे अब तक विधायक सेगमेंट में मुजफ्फरपुर विधानसभा क्षेत्र के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे साल 2015 में हुए विधानसभा चुनाव की। मुजफ्फरपुर विधानसभा सीट से वर्तमान विधायक सुरेश कुमार शर्मा है। सुरेश कुमार शर्मा भाजपा के टिकट से इस चुनावी मैदान में खड़े हुए थे। उन्होंने इस चुनाव में 95,594 वोट प्राप्त किए थे। वहीं उनके विपक्षी उम्मीदवार विजेंद्र चौधरी थे, वे जदयू के टिकट से इस चुनाव में खड़े हुए थे और उन्होंने 65,855 वोट हासिल किए थे। अब बिहार विधानसभा चुनाव 2010 को देखें तो इस चुनाव में भाजपा के ही टिकट से सुरेश कुमार शर्मा मुजफ्फरपुर सीट से विधायक हुए थे। वहीं उनके विपक्षी उम्मीदवार मोहम्मद जमाल थे। मोहम्मद जमाल लोजपा पार्टी से इस चुनावी मैदान में खड़े हुए थे। अब इसके पूर्व हुए वर्ष 2005 में बिहार विधानसभा चुनाव को देखा जाए तो इस चुनावी वर्ष में 2005 के अक्टूबर और फरवरी माह में विजेंद्र चौधरी निर्दलीय विधायक चुने गए थे। वहीं वर्ष 2005 के अक्टूबर माह में उनके विपक्षी उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी से विनीता विजय थी और 2005 के फरवरी माह में विपक्ष उम्मीदवार भाजपा प्रतिनिधि सुरेश कुमार शर्मा थे। अब हम चलते हैं वर्ष 2000 में हुए बिहार विधानसभा चुनाव की ओर। इस वर्ष हुए बिहार विधानसभा चुनाव में राजद प्रतिनिधि विजेंद्र चौधरी विधायक हुए थे। वहीं उनके विपक्षी उम्मीदवार भाजपा के टिकट से सुरेश कुमार शर्मा थे। वर्ष 1995 में हुए बिहार विधानसभा चुनाव की बात की जाए तो इस चुनावी वर्ष में विजेंद्र चौधरी विधायक हुए थे। विजेंद्र चौधरी जेडी के टिकट से इस चुनावी मैदान में खड़े हुए थे। वहीं उनके विपक्षी उम्मीदवार रघुनाथ पांडे थे। रघुनाथ पांडे कांग्रेस के टिकट से इस चुनावी मैदान में उतरे थे। वर्ष 1990 के बिहार विधानसभा चुनाव को देखा जाए तो इस वर्ष रघुनाथ पांडे विधायक हुए थे। रघुनाथ पांडे कांग्रेस के टिकट से इस चुनावी मैदान में उतरे थे। वहीं उनकी विपक्षी नेता अरुण कुमार सिंह थे। अरुण कुमार सिन्हा जेडी के टिकट से मुजफ्फरपुर विधानसभा क्षेत्र में उतरे थे। क्षेत्र के विकास कार्य की बात की जाए तो कई महत्वपूर्ण कार्य हुए थे। अंधेरों में जीने के लिए मजबूर रहने वाले ग्रामीणों को रोशनी मिली थी। क्षेत्र में गांव में बिजली पहुंचाई गई है। स्कूलों में शिक्षा के स्तर को सुधारे जाने के लिए बेहतर प्रयास किए गए हैं। महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक प्रबंध किए गए हैं। शहरों में पेयजल की आपूर्ति की गई है। चुनावी मुद्दों पर नजर डाला जाए तो क्षेत्र के कई ऐसे मुद्दे हैं जिससे स्थानीय निवासी काफी खफा है। शहर में जल निकासी बड़ी समस्या है। कुछ जगहों पर जर्जर सड़कें और अतिक्रमण की समस्या बड़ा मुद्दा है। भवन निर्माण, उद्योगों की स्थापना, पर्याप्त रूप से बिजली का उपलब्ध ना होना क्षेत्र के लिए बड़ी समस्या है। अब तक विधायक सेगमेंट में आज बस इतना ही। हम आशा करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। धन्यवाद।